बायोएनर्जेटिक्स को हम पढ़े थे, और बायोएनर्जेटिक्स के अंदर आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम पढ़ेंगे रिएक्शंस इन फोटोसिंथेसिस, रिएक्शंस इन फोटोसिंथेसिस। जैसे कि हमें नाम से पता चल रहा है, आज के लेक्चर के अंदर हम फोटोसिंथेसिस के अंदर होने वाले डिफरेंट रिएक्शंस को देखेंगे, उनकी टाइप्स देखेंगे और थोड़ा सा जनरल ओवरव्यू ले लेंगे। जैसा कि हम जानते हैं, हमने एक केमिकल रिएक्शन पढ़ा था फोटोसिंथेसिस का, और उसके अंदर हमने देखा था कि हमारे पास जो रिएक्टेंट्स हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर होते हैं, और उसके बाद हमारे पास जो प्रोडक्ट्स बनते हैं उसमें ग्लूकोज, ऑक्सीजन और वाटर मॉलिक्यूल्स बनते हैं। इसको हम पूरे रिएक्शन को यहाँ लिख लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ये दोनों कंबाइन करते हैं और हमारे पास जो प्रोडक्ट्स बनते हैं उनमें हम कहते हैं हमारे पास एक ग्लूकोज बन गया, और उसके साथ ऑक्सीजन और वाटर मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में बन जाता है। अगर हम इसको बैलेंस कर लें इक्वेशन को, 12 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं और यहाँ पे हमारे पास 6 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स बनेंगे और 6 वाटर मॉलिक्यूल्स बनेंगे। तो ये हमारे पास एक बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन है। इसके अंदर हमारे पास, हम जानते हैं कि लाइट आती है यहाँ पे, लाइट एनर्जी, और इन द प्रेजेंस ऑफ पिगमेंट क्लोरोफिल ये प्रोसेस जो है वो हो रहा होता है। क्लोरोफिल, लाइट एनर्जी प्लस क्लोरोफिल, तो ये हमारे पास फोटोसिंथेसिस की कंप्लीट इक्वेशन आ गई। अब अगर हम इस इक्वेशन को एनालाइज करें तो हमें ये पता चलेगा कि ये जो इक्वेशन है, केमिकली इसको हम कहते हैं कि ये एक रिडॉक्स प्रोसेस है। रिडॉक्स प्रोसेस या रिडॉक्स इक्वेशन कौन सी इक्वेशन होती है? ये वो केमिकल इक्वेशन, ये वो रिएक्शन होता है जिसके अंदर हमारे पास रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, ये दोनों प्रोसेसेस एक ही वक्त में चल रहे होते हैं। ठीक है, एक रिडक्शन और एक ऑक्सीडेशन। थोड़ा सा अगर हम इसको याद कर लें कि रिडक्शन और ऑक्सीडेशन में क्या था, तो हमने कहा था जब हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, हम कहते हैं रिडक्शन वो प्रोसेस है जिसके अंदर हमारे पास या तो हाइड्रोजन ऐड हो रहे होते हैं, इसको हम कहते हैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, और या फिर हम इसे कहते हैं रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, जब हमारे पास हाइड्रोजन किसी भी चीज़ के अंदर ऐड हो रहा होता है या ऑक्सीजन रिमूव हो रहे हो, उसको हम कहते हैं रिडक्शन। इसके अलावा हम अगर किसी भी केमिकल रिएक्शन में हमारे पास गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा हो, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो उसको भी हम कहते हैं रिडक्शन। अब इसी तरह हम ऑक्सीडेशन किस चीज़ को कहते हैं? ऑक्सीडेशन हम कहते हैं ऐसे रिएक्शन में जिसके अंदर हमारे पास या तो ऑक्सीजन ऐड हो रही हो किसी चीज़ में, या फिर हाइड्रोजन जो है वो रिमूव हो रहा हो, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, और या फिर हमारे पास लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा हो। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों ऑपोजिट प्रोसेसेस हैं, और ये जो हमारे पास फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन है, इसके अंदर बेसिकली ये दोनों प्रोसेसेस हो रही हैं। ये दोनों किस तरह से हो रहे हैं कि हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसके अंदर रिडक्शन हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो जब ग्लूकोज बनाती है तो ये हमारे पास रिडक्शन प्रोसेस है, और जब वाटर से हमारे पास ऑक्सीजन बनती है तो इसे हम कहते हैं, ये हमारे पास ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, ये ऑक्सीडेशन और ये हमारे पास रिडक्शन का प्रोसेस है। इसीलिए इसको कंबाइंड फॉर्म में हम कहते हैं कि ये एक रिडॉक्स प्रोसेस है, या ये एक रिडॉक्स इक्वेशन है। जब हम फोटोसिंथेसिस की बात करते हैं तो ना सिर्फ ये एक इक्वेशन ही नहीं बनती, या हम ये नहीं कह सकते कि ये सिर्फ एक सिंगल प्रोसेस है जिसके अंदर ये दो रिएक्शंस हुए और हमारे पास ग्लूकोज बन गई, एक बहुत ही लंबा चौड़ा प्रोसेस है, और इस प्रोसेस को हम ब्रेक कर देते हैं डिफरेंट स्टेप्स के अंदर। आगे जाके हम वन बाय वन देखते जाते हैं कि ये जो पूरा रिएक्शन है बेसिकली किस तरह से कैरी ऑन हो रहा है। हमारे पास फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है, हमने कहा कि हम उसको ब्रेक कर देंगे। ठीक है, ब्रेक हम किस तरह से करते हैं? हमारे पास दो मेजर टाइप ऑफ रिएक्शंस होते हैं। हम एक को कहते हैं लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस, और दूसरे को हम कहते हैं लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस। जैसे कि हमें नाम से पता चल रहा है, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस वो रिएक्शंस होंगे जिसके अंदर हमारे पास लाइट का होना बहुत ज़रूरी होगा, यानी कि लाइट के बगैर, सनलाइट जो हमें मिल रही है उसके बगैर ये रिएक्शंस नहीं हो सकते। और लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस ये वो रिएक्शंस हैं जिसके लिए हमें लाइट की ज़रूरत नहीं होती, इनको हम डार्क रिएक्शंस भी कहते हैं। तो बेसिकली फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो दो प्रोसेस से मिलकर बना हुआ है, उसके अंदर एक
लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस हो रहे होते हैं और एक लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस होते हैं. ये दोनों जब कंप्लीट हो जाते हैं तो हम कहते हैं कि हमारे पास फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है और हमारे पास ग्लूकोज जो है वो बन चुकी है. अब वन बाय वन हम आज के लेक्चर में इसका एक जनरल ओवरव्यू ले लेंगे लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस और लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस का, कि इनके अंदर बेसिकली हो क्या रहा होता है. अच्छा, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस जो हैं बेसिकली ये वो फेज है फोटोसिंथेसिस का जिसके अंदर एनर्जी जो है वो क्लोरोफिल एब्जॉर्ब कर लेता है और जो हमारे पास फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स है वो कन्वर्ट करते हैं उस एनर्जी को केमिकल एनर्जी में. ये जो हमने केमिकल एनर्जी की बात की थी अपने लास्ट लेक्चर्स के अंदर भी हमने देखा था कि ये जो केमिकल एनर्जी है ये हमारे पास स्टोर्ड होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी. ठीक है, एटीपी और एनएडीपीएच. ठीक है, इस फॉर्म में हमारे पास केमिकल एनर्जी बनती है और यही केमिकल एनर्जी फिर आगे जाके डार्क रिएक्शंस के अंदर या लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस के अंदर यूज़ होती है. अब ये जो दो कंपाउंड्स के नाम हमने लिखे, हमने एटीपी लिखा, एनएडीपीएच लिखा, बेसिकली ये होता है कि एनएडीपीएच टू होता है. पहले एनएडीपीएच बनता है और फिर उसके बाद एनएडीपीएच टू ये बनता है. एटीपी हमें हम जानते हैं एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट और दूसरे एनएडीपीएच को हमने कहा था कि ये है निकोटिनामाइड एडिनिन डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट. ठीक है, अच्छा एटीपी किस तरह से बनता है? एटीपी इस तरह से बनता है कि हमारे पास सबसे पहले तो एएमपी होता है. एएमपी स्टैंड फॉर एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट. मोनोफॉस्फेट का मतलब है कि इसमें फॉस्फेट, सिंगल फॉस्फेट प्रेजेंट होगा. ठीक है, एएमपी के अंदर हमारे पास फॉस्फेट ऐड होता है एक और, तो हमारे पास बनता है एडीपी. और फिर एडीपी के अंदर एक और फॉस्फेट ऐड होता है तो हमारे पास बनता है एटीपी. ठीक है, और ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस है ये कहाँ पे हो रहा है? ये हमारे पास लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस के अंदर हो रहा है. और लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन के अंदर भी स्पेसिफिकली अगर हम कहें तो ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के साथ, चेन के अंदर जो है ये इलेक्ट्रॉन जब ट्रांसपोर्ट हो रहा होता है उस प्रोसेस के अंदर हमारे पास एटीपी प्रोड्यूस होता है. दूसरा हमारे पास क्या है? एनएडीपीएच टू. एनएडीपीएच टू किस तरह से बनता है कि हमारे पास एनएडी पी पॉजिटिव, ये हमारे पास एक कंपाउंड है और इसके अंदर पहले हमारे पास एक हाइड्रोजन ऐड होता है तो हम इसे कहते हैं कि ये बन गया NADPH और इसके अंदर फिर एक और हाइड्रोजन आयन जो है वो ऐड होता है तो हम कहते हैं कि हमारे पास बन गया NADPH2. ठीक है, अब ये हमारे पास हम कह सकते हैं कि ये प्रोडक्ट्स हैं लाइट रिएक्शंस के और लाइट रिएक्शन के जो प्रोडक्ट हैं ये आगे जाके यूज़ होते हैं डार्क रिएक्शन के अंदर ताकि हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड की एंट्रेंस से ग्लूकोज मॉलिक्यूल बन सके. इसके साथ हम आ जाते हैं डार्क रिएक्शन की तरफ. या फिर हम कहते हैं इसको लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस. अभी हम जनरल ओवरव्यू देख रहे हैं सिर्फ, अपने नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर हम इसको डिटेल में देखेंगे लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस को भी और लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस को भी. तो लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन या डार्क रिएक्शन जो है बेसिकली उसके अंदर क्या हो रहा होता है कि हमने कहा कि हमारे पास लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन में दो प्रोडक्ट्स बने, एक एनएडीपीएच बन गया और एक हमारे पास एटीपी बना था. ठीक है, अब ये दोनों जो है वो यहाँ पे यूज़ होते हैं. वो यूज़ किस तरह से होते हैं? यूज़ इस तरह से होते हैं कि हमारे पास जो एनएडीपीएच है वो हमें हाइड्रोजन आयन्स देते और खुद जो है वो कन्वर्ट हो जाता है अपनी प्रीवियस फॉर्म में. ठीक है, एनएडीपी पॉजिटिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा. इसी तरह हमारे पास जो एटीपी है, एटीपी जो है वो हमें एनर्जी देता है और फिर खुद कन्वर्ट हो जाता है इनटू एडीपी एंड देन एएमपी मॉलिक्यूल. ठीक है, और इसके साथ साथ हमारे पास यहाँ पर एनर्जी जो है वो हमें मिलती जाती है. और ये जो एनर्जी यहाँ से रिलीज होगी ये एनर्जी कहाँ जाएगी? ये एनर्जी जो हमने कहा हमारे पास एक शुगर मॉलिक्यूल बनता है जिसे हम ग्लूकोज के फॉर्म में C6H12O6 लिखते हैं, इसके अंदर ये वाली एनर्जी जो है वो ट्रैप हो जाती है और स्टोर हो जाती है. ठीक है, तो हम जब बात करते हैं एटीपी और एनएडीपीएच की तो ये हमारे पास टेम्परेरीली एनर्जी को स्टोर करने के यूनिट्स हैं. ठीक है, यानी हम कहते हैं ना कि हम एनर्जी को कन्वर्ट कर देते हैं फ्रॉम लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी. तो लाइट से केमिकल एनर्जी में जो हम कन्वर्ट करते हैं उसके अंदर हमारे पास जो टेम्परेरीली एनर्जी सेव हो रही है वो हमारे पास एटीपी और एनएडीपीएच2 की फॉर्म में सेव हो जाती है. मेरे पास एक डायग्राम है जिससे मैं आपको इस पूरे के पूरे प्रोसेस को समझा सकती हूँ. अच्छा, इस फिगर को अगर आप देखें तो इसके अंदर आप देख सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस का जो पूरा प्रोसेस है उसको समराइज किया हुआ है यहाँ पे. और हो क्या है हमारे पास? बेसिकली हमारे पास सबसे पहले जो फर्स्ट स्टेप है उसमें क्या होता है कि ये लाइट है, सनलाइट जो कि आ रही है हमारे पास यहाँ पे थायलाकॉइड्स के ऊपर. पिछले लेक्चर के अंदर जब हमने क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर को देखा था तो हमने थायलाकॉइड
अच्छा ये एक डायग्राम आप देख रहे हैं, एक फिगर देख रहे हैं, इसके अंदर हो क्या रहा है, इसके अंदर पूरे के पूरे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को समराइज़ किया हुआ है और हो क्या रहा है, बेसिकली हमारे पास यहाँ पे सनलाइट है और सनलाइट जो है वो फॉल करी है किसके ऊपर, थायलाकॉइड्स के ऊपर। थायलाकॉइड्स को हमने अपने लास्ट लेक्चर के अंदर देखा था जब हमने स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल को देखा था और हमने कहा था कि थायलाकॉइड जो है वो डिस्क लाइक स्ट्रक्चर हैं, इस तरह से हमारे पास डिफरेंट डिस्क होती हैं जो कि स्टैक्स के फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि वही डिस्क हैं, उन डिस्क के ऊपर या थायलाकॉइड के ऊपर बेसिकली लाइट फॉल करी होती है और वहाँ पर हमारे पास क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता है और वो जो क्लोरोफिल पिगमेंट है उसकी वजह से वो जो लाइट है वो एब्जॉर्ब हो जाती है। उसके बाद होता ही है कि हमारे पास जहाँ एक वाटर मॉलिक्यूल है, वाटर मॉलिक्यूल ब्रेक हो जाता है और ब्रेक होता है किस चीज़ के अंदर, हमारे पास जो प्रोडक्ट्स बनते हैं वाटर मॉलिक्यूल से, एक हमारे पास ऑक्सीजन बन जाती है, उसके बाद हमारे पास हाइड्रोजन आयंस बनते हैं और हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स बनते हैं। ठीक है, दो इलेक्ट्रॉन्स बनते हैं पर वाटर मॉलिक्यूल। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स बनते हैं बेसिकली वो करते क्या हैं, तो वो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है वो इसके अंदर से गुजरते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, इस लाइट रिएक्शन को हम डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जब देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा और ये जो वाटर मॉलिक्यूल ब्रेक हुआ है इन सब इस पूरे प्रोसेस को आप अच्छी तरह से समझ आएंगे। अभी जस्ट एक कॉन्सेप्ट ले लें आप कि ये किस तरह से चल रहा है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर बेसिकली जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो उसके रिजल्ट में हम कह सकते हैं कि हमारे पास एक एटीपी बनेगा और एक एनएडीपीएच बन जाएगा। ये प्रोसेस बेसिकली इतना आसान या इतना सिंपल नहीं है, ये स्टेप बाय स्टेप चलता जाता है, बट अभी क्योंकि मैं आपको समराइज़ करके बता रही हूँ तो अभी के लिए आप यही समझ लें कि बेसिकली हुआ क्या कि लाइट आई, लाइट फॉल हुई, एब्जॉर्ब हो गई, उसके बाद इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर इलेक्ट्रॉन मूव किया और हमारे पास एटीपी और एनएडीपीएच बन गया विद ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है हमने कहा था कि हमारे पास फोटोसिंथेसिस का जो एक प्रोडक्ट है ऑक्सीजन, ये वो ऑक्सीजन है। ठीक है, और हमने अपने रिएक्शंस के अंदर लास्ट चैप्टर लास्ट लेक्चर्स के अंदर बात भी की थी कि ये जो ऑक्सीजन है ये वाटर मॉलिक्यूल से आता है हमारे पास। ठीक है, तो ये फोटोसिंथेसिस का एक रिएक्टर एक प्रोडक्ट यहाँ पे बन गया। उसके बाद क्या होता है कि हम दूसरे फेज पे आ जाते हैं फोटोसिंथेसिस का, जो सेकंड फेज है जिसे हम कहते हैं लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। ठीक है, अब इस ये जितना प्रोसेस था इसके अंदर हमें लाइट की ज़रूरत थी, अब इसके बाद हम सेकेंड फेज पर आ गए हैं यहाँ पर इस साइकिल में, तो इसे हम कहते हैं ये है लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन या जिसे हम डार्क रिएक्शन भी कहते हैं और ये एक पूरा साइकिल है जिसे हम नाम देते हैं केल्विन साइकिल। ठीक है, केल्विन जो है वो साइंटिस्ट के नेम के ऊपर है। इसके अंदर होता क्या है, इसके अंदर बेसिकली ये होता है कि हमने हमारे जो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस के अंदर या लाइट रिएक्शंस के अंदर एटीपी और एनएडीपीएच बना था ये एंटर हो जाते हैं केल्विन साइकिल के अंदर और हमारे पास जो फोटोसिंथेसिस का दूसरा रिएक्टेंट है जिसे हम कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड वो एंटर होती है। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, वन बाय वन एक एक स्टेप जो है वो कंप्लीट होता जाता है और एंड पे हमारे पास क्या होता है, हर स्टेप हर साइकिल में एक दफ़ा जो साइकिल घूमता है तो उसमें हमारे पास एक प्रोडक्ट बनता जाता है जो कि है सुक्रोज, जो बेसिकली हम जिसे कहते हैं ग्लूकोज हमारे पास बन रहा है C6H12O6 सिंपलेस्ट फॉर्म जिसमें जिसको हम लिखते हैं ये। और हमारे पास वापस क्या होता है, एक ये जो एटीपी है ये कन्वर्ट हो जाता है वापस एडीपी पे और एनएडीपीएच जो है वो वापस कन्वर्ट हो जाता है एनएडीपी पॉजिटिव साइन। ठीक है, तो ये हमारे पास पूरा का पूरा फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन है। आज के लेक्चर के अंदर क्योंकि हम एक ओवरव्यू ले रहे हैं तो हम इतनी ज़्यादा डिटेल्स के अंदर नहीं जाएंगे, अभी के लिए आपके समझने के लिए इतना काफ़ी है कि जिसे हमने पढ़ा, बल्कि एक काम करते हैं हम समराइज़ करते जाते हैं कि आज हमने क्या क्या पढ़ा। आज हमने रिएक्शंस पढ़े फोटोसिंथेसिस के और वो जो रिएक्शंस हैं उनको हमने देखा कि वो दो तरह के रिएक्शंस होते हैं, एक रिडक्शन प्रोसेस है एक ऑक्सीडेशन प्रोसेस है, दोनों इकट्ठे हो रहे हैं तो हम उसे कहते हैं ये एक रिडॉक्स प्रोसेस है। उसके बाद हमने डिवाइड कर दिया फोटोसिंथेसिस को टू मेजर टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। ठीक है, एक को हम कहते हैं लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस और एक लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस है। लाइट डिपेंडेंट के लिए लाइट होना ज़रूरी है, लाइट इंडिपेंडेंट के लिए लाइट होना ज़रूरी नहीं है। ये जो लाइट इंडिपेंडेंट है इसी को हमने कहा कि ये डार्क रिएक्शंस हैं या फिर इसको हम केल्विन साइकिल भी कहते हैं। ठीक है, केल्विन साइकिल, बेसिकली ये साइकिल जो है ये फॉर्म हो रहा होता है लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन या डार्क रिएक्शंस के अंदर। लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस के अंदर हमने देखा था कि हमारे पास एटीपी प्रोड्यूस होता है और एनएडीपीएच प्रोड्यूस होता है और ये जो पूरा प्रोसेस है ये कहाँ पर होता है, ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ठीक है, और इसको हमने कहा था कि हम इसे ईटीसी भी कहते हैं। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है इसमें हमारे पास एटीपी एनएडीपी H2 बन जाएगा और ये यूज़ होगा अपने डार्क रिएक्शंस के अंदर। यहाँ पे हमने डायग्राम की ये फिगर के थ्रू आपको इसकी पूरी समरी बता दी। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम क्या करेंगे कि हम इसको मज़ीद डिवाइड कर देंगे लाइट रिएक्शंस और डार्क रिएक्शंस को। ठीक है, और एक लेक्चर के अंदर हम लाइट रिएक्शन और फिर नेक्स्ट में हम डार्क रिएक्शन को डिटेल में देख लेंगे। तो ये आज का टॉपिक था।